जिंदाबाद। कृष्ण मार जिंदाबाद। श्री कृष्ण श्री मुख्यमंत्री जिंदाबाद। श्री कृष्ण श्री मुख्यमंत्री जिंदाबाद। नीतीश कुमार जी ने किया कि 7 बार शिलान्यास हम लोग अपनी आंख से पटना में देखे, लेकिन स्वामी जी का मूर्ति आज तक नहीं लगा था। पहली बार आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने जो है स्वामी जी का मूर्ति पटना के कृष्णापुरी पार्क में लगाने का काम किया और उनकी जयंती को सरकारी जयंती मनाने की घोषणा भी न हमारे नेता मुख्यमंत्री ने किया। आज उसी तरह से आप देख लीजिए, अभी महिला युवा उद्यमी योजना एक चलाए हैं हम लोग, बराबर मांग किए, सरकार पर दबाव भी बनाए। आज देखिए पहली बार समान वर्ग के लोगों को ले भी है इस योजना को जो है सरकार ने खोल दिया है। आप बताइए कि कितना बड़ा लाभ सवर्णों को मिलने जा रहा है इससे, कि 10 लाख रुपया किसी उद्योग लगाने के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई है पोर्टल के द्वारा, समझ गए ना, 10 लाख रुपया है, उसमें 5 लाख सब्सिडी है और मात्र उसको जो है 1% ऋण 84 किस्त में जो है मात्र 5 लाख आपको देना है। और महिला जो सवर्ण समाज की है उसको तो विदाउट इंटरेस्ट ऋण देना है 5 लाख। बताइए कितना बड़ा चीज़ है। तो कहाँ सवर्णों के उपेक्षा हम कर रहे हैं। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड आप देख लीजिए, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना देख लीजिए, क्या सवर्ण गांव में वृद्धजनों को नहीं मिल रहा है क्या। आप देख लीजिए राज्य का पहला न बिहार है कि जहां न सिर्फ VPL APL परिवार को शौचालय के लिए 12,000 रुपया दिया जा रहा है, तो सरकार कहां छोड़ रही है। ये मध्य बिहार के इलाका कितना शांत था इस क्षेत्र। आज 2005 से हम पूछना चाहते हैं कि 2005 से अब तक क्यों नहीं नरसंहार की घटना पूरे बिहार में हुई। यही अपने आप में साबित करता है कि नीतीश कुमार का शासन काल जो है सवर्णों के लिए स्वर्णिम काल है। इसके पहले क्या होता था कि रात दिन नरसंहार। यही अवसर देखिए नवादा में कई घटना हम लोग जानते हैं, हत्या प्रतिशोध का दौर कितना बुरी न दौर से बिहार निकला है। आज 2005 से देखिए समाज में समरसता है, समाज में सभी तबकों में न समन्वय है, सभी न अपने जीवन यापन कर रहे हैं। रोड पुल पुलिया बिजली स्वास्थ्य ये सब के तो क्षेत्र में कहना ही नहीं, अभूतपूर्व विकास हुआ है। तो इसलिए सवर्ण प्रकोष्ठ पहली बार बना है, हम लोग न पूरे बिहार में घूम रहे हैं, न जो सवर्णों की नाराजगी है पीड़ा है उस समस्याओं को भी सुन रहे हैं, अपनी बात भी रख रहे हैं और साथ ही साथ संगठन से भी हम अपील कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा भारी संख्या में लोग जुड़े और इस प्रकोष्ठ के माध्यम से जुड़ के जनता दल यू नेतृत्व जनता दल यू पार्टी को मजबूती प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आप लोगों को मालूम है कि जनता दल यू पार्टी हम लोग की जो पार्टी है पहली बार देश की पहली पार्टी है जिसने सवर्ण प्रकोष्ठ का गठन किया है और इस प्रकोष्ठ के दौरान की अध्यक्ष की जिम्मेवारी हमको दी है। और जब से हम लोगों का मनोनयन हुआ है, जिम्मेवारी मिली है, हम लोग पूरे बिहार में संगठन की मजबूती के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और इसी सिलसिले में हमने जो है सवर्ण प्रकोष्ठ का विस्तारीकरण भी गठन भी कर दिया है और हमारा 41 संगठनिक जिला होता है और 41 संगठनिक जिला में 32 जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हमने कर दी है, 35 लोकसभा प्रभारियों का भी हमने नियुक्ति कर दिया है, राज्य कार्यकारिणी की भी गठन हमने कर दी है और उसके बाद लगातार पूरे बिहार का दौरा भी हम लोग कर रहे हैं और इसी क्रम में हम लोग जहानाबाद भी गए, गया भी गए। आज देखिए अभी आपके पड़ोसी जिला नालंदा में आज सवर्ण प्रकोष्ठ के जिला कार्यालय का भी उद्घाटन करा के और सांगठनिक बैठक करके भी आपके जिला में नवादा भी पहुँचे हुए हैं और यहाँ भी अभी जिला कार्यालय का सवर्ण प्रकोष्ठ का उद्घाटन हमने किया है और उसके बाद संगठन के साथियों से संगठन की मजबूती हेतु बैठक भी हम करेंगे और जो भी संगठन की मजबूती हेतु दिशा निर्देश देने का जो भी रहेगा हमने देने का काम करेंगे और इसीलिए हम आज नवादा आए हुए हैं। सवर्ण प्रकोष्ठ निश्चित रूप से
जनता दल यू नेतृत्व के सपनों का जो ना बिहार है, जो विकसित बिहार बने, उसमें सवर्ण समुदाय निश्चित रूप से अपने नेतृत्व के साथ खड़ा रहेगा और इसकी मजबूती के लिए ये ना दिन रात हम लोग काम करेंगे। सवर्ण वर्णों को देखिए, पार्टी से जोड़ने में कोई, हम जो इतना घूम रहे हैं लगातार, काफ़ी उत्साह के साथ सवर्ण इसका स्वागत कर रहा है पूरे बिहार में। और हम लोग भी जो है संवाद के माध्यम से 2005 से अब तक आदरणीय नेता नीतीश कुमार जो बिहार में विकास कर रहे हैं, सवर्णों के ही अगर बात करें तो सवर्णों के लिए खासकर जो काम कर रहे हैं, उन सब कामों को हम लोग बताने का काम कर रहे हैं ना, ताकि सवर्ण समाज भी पूरी मजबूती के साथ पार्टी के साथ जुड़े। इसी क्रम में हम आपको बता देना चाहते हैं, इसी नवादा जिले में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह का न जो पैतृक न जन्म स्थान है, आज तक बिहार में उपेक्षित था, लेकिन उस स्थान का भी जीर्णोद्धार करने से आज वहाँ क्या नहीं है। काम किसने किया? तो हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने किया। इतना ही नहीं, श्री कृष्ण बाबू के जयंती को राजकीय जयंती समारोह मनाने का अगर काम किसी ने किया तो हमारे नेता नीतीश कुमार ने किया। बल्कि बिहार में आज़ादी के बाद से मोटा मोटी बीच के कुछ कालखंडों को अगर छोड़ दिया जाए तो 90 तक कांग्रेस का ही शासनकाल रहा, लेकिन श्री बाबू को हमेशा उपेक्षा किया। लेकिन ये काम भी अगर किसी ने किया तो उन्होंने ही किया। इतना ही नहीं, पहली बार विधानमंडल के दोनों सदनों से सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करके श्री बाबू को भारत रत्न देने के लिए भी बिहार सरकार ने सिफारिश की। अभी आप लोग देखे होंगे तो ये सब काम सरगणेश दत्त बाबू, देखिए नालंदा जिला के रहने वाले थे, उनकी भी जयंती को सरकारी जयंती मनाने का घोषणा और उनको भी किसने सम्मान दिया तो हमारे नेता नीतीश कुमार ने दिया। बाबू वीर कुंवर सिंह, देखिए आज़ादी के जंगे आज़ादी के ना इतने बड़े महान न योद्धा और आज तक उपेक्षित थे, उनकी जयंती को सरकार ने, आपको पता होगा न, उनकी जयंती को छुट्टी न घोषित कर चुका है सरकार ने। उस दिन सरकारी छुट्टी रहती है बाबू कुंवर सिंह की जयंती के लिए। उनका जो न किला था, जिन सिन स्थिति में था, उसके जीर्णोद्धार देने के लिए करोड़ों रुपया सरकार ने खर्च किया ना। तो देखिए, हम लोग किसी को उपेक्षित नहीं रख रहे हैं। समाज के जो भी सवर्ण समाज के हमारे गौरवशाली रहे हैं ऐतिहासिक पुरुष, सबका सम्मान तो सरकार ने किया। जहाँ तक ना स्वामी जी की बात है, सहजानंद सरस्वती, देखिए नवादा, इसी नवादा मध्य बिहार में नवादा जो है कभी किसान आंदोलन का केंद्र बिंदु हुआ करता था, और इसी नवादा में उस दौरान में स्वामी जी के नेतृत्व में कई किसानों ने लड़ाई लड़ी थी।